बीएससी नर्सिंग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स। आज का पेपर है हमारा एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि इसमें बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर किए गए हैं। ये हमारा 2021 का क्वेश्चन पेपर है और इसमें जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं उन्हीं को लिया गया है, इसमें कोई भी एक्स्ट्रा टॉपिक नहीं लिया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना आज का वीडियो। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नर्सिंग विला। मैं पूजा, आपकी अपनी फ्रेंड, लेकर आई हूँ आपके लिए एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो कि हमारा बीएससी नर्सिंग फर्स्ट ईयर का एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, जो कि हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट और थोड़ा स्कैरी टाइप ऑफ सब्जेक्ट है। बट डरने की ज़रूरत नहीं है, पढ़ने की ज़रूरत है, हार्ड वर्क से नहीं, स्मार्ट वर्क से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का पेपर। आज का पेपर है हमारा 3 आवर्स का, जो कि हमें टाइम मिलता है इसे अटेम्प्ट करने का। मार्क्स मिलते हैं हमें इसमें 75। हमारा जो जैन का है ये 2021 का क्वेश्चन पेपर है। सबसे पहले देख लेते हैं नोट क्या है। अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चन एंड ड्रॉ सुटेबल डायग्राम टेबल्स एंड ग्राफ्स वेयर रिक्वायर्ड। यानी कि एनाटॉमी में आपको कुछ डायग्राम्स और ग्राफ्स भी आते हैं, तो वही यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं। सुटेबल डायग्राम आपको वहाँ पे ड्रॉ करना है। सेकेंड नोट है, अटेम्प्ट पार्ट वन एंड सेकेंड इन सेपरेट आंसर बुक, क्योंकि हमें दोनों पार्ट के लिए अलग अलग आंसर बुक दी जाती है, तो हमें अलग अलग पार्ट को अलग अलग आंसर बुक में अटेम्प्ट करना है। तो सबसे पहले देखते हैं हम अपना पार्ट वन, जो कि है एनाटॉमी। एनाटॉमी में हमारा सबसे पहले आता है शॉर्ट नोट, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन। यहाँ पर 3 पार्ट में इसे डिवाइड किया गया है। पार्ट ए है हमारा एक्सटर्नल एंड इंटरनल फीचर्स ऑफ गॉल ब्लैडर। बी हमारा क्लासीफाई मसल्स विद एग्जाम्पल। सी है हमारा एपिफाइसिस विद एग्जाम्पल्स। हमें बताना है ये सब चीज़ें, यानी कि 13 नंबर में ये हमारा पूरा का पूरा पहला क्वेश्चन कवर हो रहा है। सेकंड है हमारा ड्रॉ ए वेल लेबल्ड डायग्राम टू इलस्ट्रेट द फॉलोइंग। ड्रॉ अ वेल लेबल्ड डायग्राम टू इलस्ट्रेट द फॉलोइंग, यानी कि यहाँ पे आपको डायग्राम भी देना है। ये भी 3 पार्ट में हमारा, पार्ट ए हमारा ब्लड सप्लाई ऑफ स्टमक, बी हमारा रिलेशंस एंड ब्लड सप्लाई ऑफ यूट्रस, सी हमारा, थर्ड है हमारा सी मीडियास्टेनल सरफेस ऑफ द लेफ्ट लंग। ये हमें ड्रॉ करने हैं। ये हमें 4 मार्क्स में हमें ये कवर करने हैं और 3 क्वेश्चन हैं, 12 नंबर का टोटल यहाँ पे हमें ये क्वेश्चन दिया गया है। सेकेंड नंबर, थर्ड नंबर पे आते हैं, यहाँ पे भी आपको शॉर्ट नोट दिए गए हैं जिसमें आपको 3 दिए गए हैं। नंबर ए है एड्रीनल ग्लैंड, बी कॉर्पस कॉलोजम, सी हमारा कॉर्नरी सर्कुलेशन। 4 × 3, ये भी हमारा 4 नंबर का क्वेश्चन है जिसमें हमें 12 नंबर के लिए अटेम्प्ट करना है। अब आते हैं हम अपने मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट फिजियोलॉजी पे। फिजियोलॉजी को आप फ्लो चार्ट में भी अटेम्प्ट कर सकते हैं, इससे हमें प्रेजेंटेशन के मार्क अलग से मिलेंगे। बहुत अच्छा लगता है अगर प्रेजेंटेशन भी अच्छी होती है तो मार्क्स भी अच्छे मिलते हैं। तो 4th क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे भी शॉर्ट नोट पे, शॉर्ट नोट ऑन द फॉलोइंग। ये भी हमारा 3 पार्ट में है 4th क्वेश्चन। पार्ट ए है हमारा रोल ऑफ स्केलेटल मसल इन मेंटेनेंस ऑफ पोस्चर। बी हमारा ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन ब्लड। सी हमारा फंक्शन ऑफ लीवर। देन आता है ये हमारा 5 + 4 + 4 = 13 मार्क्स में ये हमारा क्वेश्चन है 4th। देन आता है 5th क्वेश्चन हमारा, राइट अ कंसेप्ट इन शॉर्ट फॉर द फॉलोइंग विद द हेल्प ऑफ अ डायग्राम। ए हमारा रेफर्ड पेन, बी ब्लड कोगुलेशन, सी हमारा कार्डियक साइकिल। 5 + 4 + 4 = 13 नंबर का हमारा ये भी क्वेश्चन। फिर आता है हमारा 6th नंबर क्वेश्चन, राइट फीचर ऑफ द फॉलोइंग, जिसमें हमें 3 पार्ट में पूछा गया है। पार्ट ए हमारा कुजन्स सिंड्रोम, बी हमारा हाइपरटेंशन, सी हमारा कंडक्टिव डीफनेस। ये भी हमारा 12 नंबर में है, 4 नंबर का एक क्वेश्चन है। तीनों क्वेश्चन आपको 4 नंबर में अटेम्प्ट करने हैं। तो दोस्तों, ये हमारा आज का क्वेश्चन पेपर कैसा रहा,
और ये क्वेश्चन पेपर आपके लिए हेल्पफुल रहें या ना रहें ये मैं नहीं पूछूंगी, क्योंकि मुझे पता है अगर आप सच में इंटेंशनली स्टडी करते हो तो आपको इनकी इम्पोर्टेंस 100% सिक्योरिटी के साथ पता है, और अगर नहीं पता तो पता करना भी ज़रूरी है, क्योंकि ये आपकी लाइफ लॉन्ग काम आता है। जब आपके मार्क्स जो होते हैं आपकी डिग्री पे वो आते हैं पढ़ाई से, पढ़ाई करनी है स्मार्ट तरीके से ना कि हार्ड वर्क से। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम।